नमस्ते छात्रों, इस वीडियो पाठ में हम देखेंगे सुधारित अंतर्गत मूल्यांकन कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती एवं उनके उत्तर। और यह उत्तर यानी जवाब लिखने के लिए साथ में एक पीडीएफ भी दे रहे हैं और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ बच्चों इतिहास और मराठी इन दोनों विषयों का मूल्यमापन और उनकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चल देखो, हिंदी युवक भारती मौखिक परीक्षा कुल अंक है 20 और इस 20 के लिए निर्धारित कृतियां हैं दो। कौन कौन सी है देखो, एक श्रवण कौशल्य 10 अंक के लिए और भाषण कौशल्य 10 अंक के लिए। अब देखो आगे, देखो श्रवण कौशल्य 1, शब्द लेखन 4 में से 3 और अंक है 3। इस तरह आपके अध्यापक आपको शब्द देंगे और वह आपको लिखना है। दूसरा, शब्दार्थ लेखन 4 में से 3 और अंक 3। इस तरह के शब्दों आपको दिए जाएंगे और इस तरह उनके अर्थ आपको लिखना है 3 अंकों के लिए। 3, वाक्य लेखन 3 में से 2 अंक 2। इस तरह के 3 वाक्य आपको दिए जाएंगे, आपको 2 अच्छे तरह से लिखना है। चौथा, सारांश लेखन अंक 2। इस तरह का परिच्छेद आपको दिया जाएगा और आपको इस तरह उसका सारांश लेखन करना है। यह श्रवण कौशल्य। अब देखो भाषण कौशल्य, जिसके लिए अंक कितने हैं 10। एक, भाषण के नियोजित विषय अंक कितने हैं 5। बच्चों, आपके अध्यापक आपको इस तरह का एक विषय देंगे जिस पर आपको आपके विचार प्रकट करना है, कितने अंक के लिए 5। और 5 अंक, पाठ्य पुस्तक में से कोई भी गद्यांश या पद्यांश का पठन छात्रों को सुनाने के लिए कहना, उसके लिए कितने अंक है 5। इस तरह का भाषण कौशल्य 10 अंक के लिए और श्रवण कौशल्य 10 अंक के लिए, कुल मिलाकर 20 अंकों का यह आपका मौखिक मूल्यांकन। छात्रों, अगर हमारा पाठ आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो पाठों के साथ। धन्यवाद।